बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हालिया सफ़र के दौरान अंदरून सिंध जाने का भी मौका मिला। यहाँ रहने वाले लोगों से मुलाकात करके और कुछ वक्त उनमें गुजार कर उनके असल मसाइल मालूम किए और उनकी हालत ज़ार से आगाही मिली। शहर से निकलकर कच्चे में सफ़र करना हकीकतन एक मुश्किल और सब्र आजमा काम है। आप देख सकते हैं बड़ा डिप्राइव एरिया है ये, और इस जगह पे आना और अल्लाह ताला मेरे आने को भी कबूल फरमाए। और कहाँ माशाल्लाह जो है वो आप देखें, कहाँ से इंग्लैंड और कहाँ ये इलाका। सख्त मौसम, सहूलियात से महरूमी और फिर गुरबत, इन सब ने मिलकर यहाँ की ज़िंदगी बेहद मुश्किल बना रखी है। मुझे यहाँ के सफ़र के दौरान बार बार ये ख़्याल आता रहा, आखिर इन लोगों का कसूर क्या है जो इतनी दुश्वारियों का सामना करने पर मजबूर हैं। लेकिन शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, और कुदरत हद फर्ज से मुख्तलिफ़ किस्म का इम्तहान लेती है। अब देखें नाज़रीन, ये पूरा डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे एक ख़ानदान रहता है, और उनके मैंने अभी आपको घर दिखाया कैसे घर है, छोटा सा कमरा और साथ। तो हमने यहाँ पे इनको एक वाटर हैंड पम्प लगा के दिया है, ताकि जो पानी भरने के लिए दूर दराज एरियों में जाते थे, तो अब इंशाल्लाह इनको पानी इनके घर में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये एक बकरियाँ और एक गाय बस रखी हुई है इन्होंने, यही इनका कुल असासा है। अल्लाह ताला इनको बरकत ता फरमाए। हमने एक सफ़र शुरू किया एक हैंड पंप एक वाटर वेल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताउन से कई सौ है वाटर वेल और कई हज़ार हैंड पंप हम इंस्टॉल कर चुके हैं, और ये सारा अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह के यहाँ इसकी कबूलियत है, अल्लाह ने हमें इस काम के लिए कबूल फरमाया। बाकी आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, और बाकी अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा ज़रूर फील्ड में आएंगे, क्योंकि जब तक आदमी अपनी आंखों से देखे नहीं, मॉनिटर नहीं करे, उस वक्त तक उसको तसल्ली नहीं होती। तो अल्लाह ताला बरकत ता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।